मुरादाबाद में बुद्धि विहार स्थित भाजपा कार्यालय पर युवा दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम ने कहा कि AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी का पूरा इतिहास से देखें तो उनकी कॉम्युनल पॉलिटिक्स है। आपको बता दें कि गुरुवार को मुरादाबाद में युवा दिवस के अवसर पर आयोजित भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यक्रमों में हिस्सा लेने आए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम ने पत्रकार वार्ता में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने अपने 9 वर्षों के कार्यकाल में युवाओं को रोजगार मुहैया कराया, महिलाओं को सुरक्षा, गरीब तबके की महिलाओं को निःशुल्क रसोई गैस उपलब्ध कराई, किसानों को उनकी फसल का मुनासिब दाम दिलाया, देश भर में 4 मुखी सड़कें और हाईवे दिए, COVID-19 जैसी महामारी के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराई। पूर्व सांसद जफर इस्लाम ने कहा कि देश में आज यूनिकॉर्न की संख्या 100 के पार पहुंच चुकी है, जिनकी करीब 7.5 हजार करोड़ की कीमत है। साथ ही असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा की गई टिप्पणी पर जफर इस्लाम ने कहा कि जब भी कोई ऐसा मौका आता है तो AIMIM प्रमुख मुसलमानों को बरगलाने, मुस्लिम समाज को गुमराह करने, मुस्लिम समाज को आड़े रखकर अपनी राजनीति चमकाने का काम करते हैं। मुस्लिम समाज अब समझ चुका है कि ओवैसी को सिर्फ राजनीति करनी है। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जा रहा है और उसी के अवसर पर यहाँ पर हमारे पार्टी ने बहुत सारे खेलकूद का कार्यक्रम रखा था और उस कार्यक्रम में हमें भाग लेने का जो है मौका मिला। हमारे यूथ विंग जो है, हमारा जो युवा मोर्चा है, उसने बहुत सारे कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज़ किया था और हम सुबह में एक मैराथन में जो है हमने भाग लिया और मैराथन में भाग लेने के बाद और भी कई और कार्यक्रम हो चल रहे हैं, पूरे दिन कार्यक्रम चलते रहेंगे। युवा पीढ़ी को हम जिस तरह से प्रोत्साहन करते हैं, हमारी सरकार करती है, उसी कड़ी में आज ये बड़ा जो है जो स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर मनाया जा रहा है। सभी को मालूम है स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कि उन्होंने बराबर, वो खुद युवा थे और युवा के लिए प्रेरणा स्रोत आज हैं, इसलिए कि युवा पीढ़ी जो है हमारे देश की, वो सिर्फ देश में नहीं पहले दुनिया के लिए एक प्रेरणा के तौर पर उभर कर आ रही है, चाहे वो टेक्नोलॉजी का फील्ड हो, चाहे और किसी फील्ड में, चाहे फाइनेंस का फील्ड हो, चाहे राजनीति का फील्ड हो। आप देखें UK में भी आज यंग प्राइम मिनिस्टर है, वो भी भारतीय मूल का है। और अगर आप देखें दुनिया के बहुत सारे ऐसे बड़ी कंपनियाँ हैं जिसके भी जो युवा जो CEO है वो भारतीय मूल के हैं और भारत के नागरिक आज भी हैं, ऐसे लोग भी वहाँ पर बने हैं CEO। इससे समझ में आता है कि भारत में जो प्रतिभा है और जो जो टैलेंट है उसको उभारने का काम हमारी सरकार बार बार करती है और इस तरह के कार्यक्रम, खास कर युवा दिवस पे जिस तरह के बड़े कार्यक्रम करती है, उससे लोगों में उत्साह, युवा पीढ़ी में उत्साह जो है वो हम बार बार करने की कोशिश करते हैं। खेल जगत में आप देखिए युवा पीढ़ी अच्छा कर रही है, आप पॉलिटिक्स के जगत में देखें युवा पीढ़ी अच्छा कर रही है, आप अगर टेक्नोलॉजी के फील्ड में देखें युवा पीढ़ी अच्छा कर रही है, आप मेडिकल साइंस के फील्ड में देखें युवा पीढ़ी अच्छा कर रहा है, आप साइंटिस्ट देखिए, एक से एक साइंटिस्ट जो है हमारे देश, हमारे भारतीय मुल्क के पूरे दुनिया में, इन लोगों की जो कोशिश है और उनके जो इनिशिएटिव है उससे सिर्फ देश की जनता नहीं, देश मजबूत नहीं है बल्कि बेरोजगारी का पैमाना जो है वो नाप जो मापदंड है उसको देखने का तरीका जो है अलग अलग एजेंसीज़ का है। कोई प्राइवेट एजेंसीज़ के नंबर वो आंकड़े लेते हैं CMAI का, लेकिन सरकार के पास, सरकार अपने हिसाब से देखती है, ये बात सही नहीं है कि जो है जो इसलिए को सर्वे का जो सैंपल सर्वे और जो मॉडल है वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसमें जो कमी है, लेकिन उसको अगर फिर भी मान लें आप तो ठीक है। पूरे दुनिया में के परिप्रेक्ष्य में देखिए तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन के बढ़ने से और जो दुनिया में जो कंपनियां जो अच्छा नहीं कर रही हैं उससे बहुत सारी नौकरियां गई हैं, लेकिन भारतवर्ष में देखिए, अगर आप देखिए प्री कोविड लेवल से जो लेवल था और आज के लेवल में बहुत मात्र सा अंतर अभी पिछले कुछ दिनों में हुआ है, वो भी यूक्रेन वार के बाद ऐसा थोड़ा सा आंकड़ा देखा है, लेकिन फॉर्मलाइज जॉब में देखिए तो UPFO का नंबर देखिए, ESIC के नंबर देखिए, Naukri.com के देखिए, तो सब में दिखता है कि नौकरियां तेज़ी से बढ़ रही हैं, जो स्किल्ड जॉब है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन हो सकता है इनफॉर्मल सेक्टर में
इसलिए कि जो डेटा आ रहा है उसमें इनफॉर्मल सेक्टर का थोड़ा है, हो सकता है कि कहीं कमी हुई, लेकिन ज़मीन पर जाइए तो आप आज भी आपको वर्कफोर्स जो है वो ईजिली जैसे पहले कोविड के टाइम पे अवेलेबल था वैसे नहीं है। उससे समझ में आता है कि जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है उसमें सच्चाई नहीं है। हकीकत तो है कि नौकरियां भी हैं, नौकरियां क्रिएट करने के लिए सरकार भरपूर कोशिश कर रही है, और ऐतिहासिक फैसला लिया था पिछले बार इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो बजटरी एलोकेशन था सबसे बड़ा बजटरी एलोकेशन पिछले बार हुआ था, और उम्मीद करते हैं कि इस बार भी, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर में दोनों काम होते हैं, सबसे ज़्यादा नौकरियाँ क्रिएट होती हैं और साथ साथ जो जीडीपी का भी कंट्रीब्यूशन नेशनल जीडीपी में बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, तो दोनों को ध्यान रखते हुए सरकार फिर उम्मीद करता हूँ कि बड़ा बजटरी एलोकेशन करेगी, और एक जो मार्जिनली जो आपको नंबर दिख रहे हैं वो भी इम्प्रूव होते देखेंगे, इसलिए कि जो इन्वेस्टमेंट बाहर से आ रहा है, जो बाहर से FDI आ रही है और जो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है उससे ब्लू कॉलर जॉब व्हाइट कॉलर जॉब दोनों बहुत बड़ी मात्रा में आएगी, और गति शक्ति जैसे इनिशिएटिव जो सरकार ने ली है, जो लॉजिस्टिक को जो प्रॉब्लम को जो सॉल्व किया है उससे सिर्फ नौकरियां बढ़ेंगी, बहुत सारी बाहर की कंपनियां इंडिया में अपने सेटअप अपने शॉप को अपनी कंपनियां के फैक्ट्रियां लगाना चाहती हैं, और आगे आने वाले दिनों में जो सरकार ने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स बहुत सारे पॉलिसी रिफॉर्म्स किए हैं और इस तरह के जो इंसेंटिव दिए हैं उससे सिर्फ नई कंपनियां आएंगी और जॉब ही जॉब होगा हिंदुस्तान में, और ये जो फ्यूचर है हमारे यूथ का वो बहुत ब्राइट फ्यूचर है, इसलिए कि कम से कम 500 ऐसी कंपनियां 575 ऐसी कंपनियां जो ग्लोबल जाइंट है वो हिंदुस्तान में कहीं ना। साथ ही इस मौके पर भाजपा जिला महामंत्री राजन बिश्नोई, भाजपा जिला मीडिया प्रभारी संजय ढाका, क्षेत्रीय सह मीडिया प्रभारी निमित, भाजयुमो जिला अध्यक्ष अरुण पंडित आदि लोग मौजूद रहे।